डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इससे पहले वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, डिस्कस की थी। और आज हम एक इससे कुछ एडवांस थ्योरी है, वीबीटी से एडवांस थ्योरी है, जिसको हम MOT के नाम जानते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत है, ये हुंड और मुलिकन के द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत के आधार पर हम यदि इसको डिफाइन करना चाहें कि ये MO थ्योरी, ये बेसिकली VBT से किस प्रकार से अलग है, तो हम VBT में ये देखते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में जब बंध का निर्माण होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बंध युग्म के, ये हम मानते हैं कि वहाँ पर दो परमाणुओं के नाभिकों से अट्रैक्ट रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बंध युग्म, ये जिनके बीच में बंध बना है उन परमाणुओं के द्वारा आकर्षित रहते हैं या उनसे संबंधित रहते हैं। लेकिन MOT क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो वैलेंस शेल के हो, संयोजी कोष के हो, ये सभी परमाणुओं के नाभिकों से अट्रैक्ट रहते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार होता है परमाणु में या अणु में, वो बिल्कुल समान होता है। जहां हम परमाणु की बात कर रहे होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के, उस परमाणु के नाभिक से अट्रैक्ट रहता है। और जब परमाणु आपस में मिलकर, कई परमाणु आपस में मिलकर जब अणु का निर्माण करते हैं, तो इस अणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, वो सभी नाभिकों के द्वारा जो एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी एटम्स के नाभिकों के द्वारा अट्रैक्ट रहते हैं। और हम थोड़ा सा यहाँ बात करें कि जो VBT थी वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, असफल रही। जैसे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। जबकि हम VBT के बेसिस पे यदि देखें, तो यहाँ पर, और हम पहले बात करेंगे कि जो अनुचुंबकीयता का गुण होता है वो तभी पाया जाता है जब किसी स्पीशीज के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। हम VBT के बेसिस पे यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसमें किसी प्रकार का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि VBT ये कहती है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एक डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया जा चुका है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और इस प्रकार की जो लिमिटेशंस थी, इसको हम MOT के आधार पर हम बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें थी जो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसके लिए एक एडवांस थ्योरी दी गई थी जिसको हम MOT के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें, MOT में ये बताया जाता है कि जब ओवरलैपिंग की प्रक्रिया होती है, जब भी सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो एक अतिव्यापन की प्रक्रिया होती है जिसमें जो परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं। और इस इंटरमिक्सिंग की जो प्रोसेस है, हम यदि बात करें कि जो एक सिंगल एटम है, तो उसका जो ऑर्बिटल है वो केवल एक ही नाभिक से जुड़ा हुआ रहता है, या हम कहें कि एफिलिएटेड होता है, और इसको हम मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कई एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं,
जिसको हम आणविक कक्षक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है ये पॉलीसेंट्रिक हो जाता है, बहुकेंद्रित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अब ऑर्बिटल्स हैं वो एक से अधिक नाभिकों के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जब परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं या संयोग करते हैं, तो उस प्रक्रिया में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक हैं वो बनते हैं। मान लीजिए यदि दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं तो दो ही प्रकार के आणविक कक्षक बनेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहले नियम की हम बात करें तो अभी हमने कहा कि जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। और जो अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है या होनी चाहिए। और थर्ड है वो है कि यहाँ पर एक जो एनर्जी लेवल की बात करें तो जो परमाणु कक्षकों की यदि ऊर्जा लगभग समान नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो इस प्रकार का जो बंध बनता है उसमें आयनिक गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि लगभग समान है तो उसमें संयोजक लक्षण ज़्यादा पाए जाएंगे। और यदि अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा का अंतर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो बंध बनेगा उसमें आयनिक प्रकृति ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी ज़्यादा आयनिक प्रकृति होगी। फोर्थ है, जितना अधिक अतिव्यापन होगा, अधिक एक्सटेंट तक होगा, तो जो बंध निर्माण होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो बताता है कि कोवलेंट बॉन्ड की परसेंटेज उसमें क्वालिटेटिवली कितनी है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले कक्षक हैं उनकी सिमेट्री होती है वो सेम होनी चाहिए। सममिति यदि अलाउड करती है वही कक्षक भाग लेंगे। और नेक्स्ट है वो है कि जो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बने हैं, आणविक कक्षक बने हैं, उनमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो उस प्रोसेस में भरने के क्रम में हम पावली और हुंड के नियमों को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं कि पावली ने क्या कहा था। पावली एक्सक्लूजन रूल क्या था। पावली ने बताया था कि किसी भी एक परमाणु के लिए किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान है वो समान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं तो ये जो रूल है, पावली एक्सक्लूजन रूल है, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उनका स्पिन हम ऑपोजिट रखते हैं। एक का यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। इसी तरह हम आगे बात करें हुंड के नियम की, तो हुंड ने बताया था कि जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं जिनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, संभ्रंश कक्षक, तो उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं। उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स एक एक सभी में भरे जा चुके होते हैं तब हम पेयरिंग करवाते हैं। और सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्युलर ऑर्बिटल में भरते हैं, सबसे कम ऊर्जा वाले आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, उसके बाद में उससे उच्च ऊर्जा वाले आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो परमाणु कक्षकों की अतिव्यापन से जो आणविक कक्षक बनते हैं, सबसे पहले परमाणु कक्षक का वो अतिव्यापन करेंगे और जितनी संख्या में वो होते हैं उतनी संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और ये आणविक कक्षक हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें पहला है वो बॉन्डिंग एमोज, जिसको बोलते हैं बंदी अणु कक्षक। अभी बंदी अणु कक्षक क्या होता है, और एक होता है बंदी अणु कक्षक नॉन बॉन्डिंग, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग एमो, विपरीत बंदी अणु कक्षक। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग एमोज
जब अतिवाहन में भाग लेने वाले जो परमाणिक कक्षक होते हैं और इनसे जब भी आणविक कक्षक को निर्माण होता है तो उनमें इस प्रकार के आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान अतिवाहन में भाग लेने वाले परमाणिक कक्षकों से कम होता है उनको हम बंदी अणु कक्षक के नाम से जानते हैं। और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा कम हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी प्रकार के नाभिकों से अट्रैक्ट होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा है उसके मान में कमी आती है तो सिस्टम में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो सिचुएशन है या कंडीशन है उसको ये फेवर करता है तो इसके कारण इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है नॉन बॉन्डिंग एमओ। इस प्रकार के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये न तो जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं ना अनस्टेबिलिटी को और इनकी जो ऊर्जा का मान होता है वो उतना ही होता है जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं तो ये नहीं तो बंधन बॉन्डिंग को फेवर करते हैं और नहीं जो इसके अगेंस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों से अधिक होती है और अधिक एनर्जी के कारण जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल होता है अस्थाई हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो बंध निर्माण की प्रक्रिया के प्रतिकूल काम करते हैं विपरीत काम करते हैं तो इसलिए इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंदी अणु कक्षक। यहाँ पर देखिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया गया है कोई ए बी मॉलिक्यूल है और इसमें ए एटम को हमने इधर लेफ्ट साइड में रखा है और बी एटम को यहाँ राइट हैंड साइड में और यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल ए के भाग ले रहे हैं वो दो हैं और दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हम बात करें बी में तो बी में एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहा है अतिव्यापन में और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो जब हम देखते हैं कि अतिव्यापन के बाद यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनता है जिसकी ऊर्जा भाग लेने वाले कक्षकों से कम होती है ये यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हमने सिग्मा से दर्शाया है। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है जिसका एनर्जी लेवल भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के समान है इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अब हम बात करें इस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है और इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या विपरीत बंदी अणु कक्षक इसको हम सिग्मा स्टार से दर्शाते हैं। अब ये तीन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं जिनमें एक कम ऊर्जा का है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा के समान वाला है जिसको हम नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं और एक जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है जिसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं और इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं ए के और बी के इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इनको हम एक साथ लेंगे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। तो यहाँ पर दो ए के पास है दो बी के पास है टोटल 4 है। तो सबसे पहले बॉन्डिंग में भरेंगे क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन भरा उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके साथ भरेंगे जिसका स्पिन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। या हम कह सकते हैं कि इनके लिए जो टोटल जो क्वांटम नंबर है उनका मान समान नहीं होना चाहिए तो उसको हम फॉलो करेंगे। इसके बाद में रिमेनिंग दो इलेक्ट्रॉन हम
नॉन बॉन्डिंग में भरेंगे। अपने पास टोटल चार थे तो हमने चार इलेक्ट्रॉन टोटल फिल कर दिए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम सारे भर दिए। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का क्रम है वो कम ऊर्जा से बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में भरा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो LCO मेथड होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो वेव फंक्शन होते हैं उनको हम LCO मेथड के द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।